ज्योति के लिए मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहूंगा कि वेलकम बैक। थैंक यू, बहुत टाइम के बाद थैंक ज्वाइन यू। किया है उन्होंने, और जैसा राजेश ने ऑलरेडी बता दिया है, ज्योति हमारे आईटीडी बैचमेट हैं, हमारे साथ में थी ज्योति आईटीडी में, और वो एक कवित्री भी हैं, अपनी खुद की पोएम्स लिखती हैं और हमें सुनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है और शेष सृष्टि से रागात्मक संबंध जोड़ने में सहायक होती है। काव्य सिद्ध चित्त को अलौकिक आनंद अनुभूति कराता है, तो हृदय के तार झंकृत हो उठते हैं। हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने के लिए आ रही हैं अब ज्योति। सो जोरदार तालियों के साथ ज्योति का स्वागत करें। ओवरवेलमिंग, मुझे कुछ नहीं पता आपने क्या बोला। मतलब समझ सर पहले बताना चाहिए था कि ये सब कुछ होने वाला है, आप इस लेवल पे लेके गया। जाने वाले हो। मतलब मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला। सर बड़े गजब की हिंदी बोली सर आपने आज आई वैसे। मीन सर के लिए सर ये के लिए तो होनी चाहिए जरूर राकेश जी के लिए। था। मैं तो बीच में एक एक बार इंटरप्ट करके पूछने वाली थी, राकेश जी ये वर्ड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये क्या आई रियली विश कि मैं इस लायक कभी तो बनूं जो सर ने नहीं, बोला, सीरियसली। नहीं और ऐसी पता कोई सर, बात नहीं है। मोर देन आईएटीडी, इट इज फॉर एवरीबॉडी। हम लोगों ने आईएटीडी में कभी इतना इंटरेक्ट नहीं करा, पर जब हम वॉक करते थे टूवर्ड्स मेट्रो, सर याद है, हम उस वक्त बहुत बातें करते जाते आई थे, एंड रिमेम्बर। दिस इज दैट कनेक्शन कि वी आर हियर। आईएटीडी तो चलो चलता ही था। सर मुझे पता था कि आपने मुझे फंसाना है, मैंने कुछ नहीं लिखा। कोई बात नहीं। बट एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, मुझे पता था कि कुछ मोहब्बत के बारे में है। सो व्हाट आई एम गोना से, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ तो इज्जत रखना पड़ता है प्लेटफॉर्म का भी जहाँ पे आप हो। सो आई रोट समथिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 8। तो उस वक्त मुझे लिखने का बहुत शौक था, एंड आई यूज टू राइट व्हाट एवर आई हैड इन माई माइंड। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11 12, तो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो मेरे ताया जी को बहुत गुस्सा आया एक दिन कि क्या करती है अपनी डायरी। मैंने एक बहुत प्यारी सी बनाई हुई थी और उन्होंने बोला इस डायरी को तो मैं फेंक ही दूंगा, यू डू नॉट स्टडी एट ऑल। तो मुझे भी लगा कि मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ, तो लगा कि पास तो होना ही है। और फिजिक्स का एग्जाम था आफ्टर अ वीक एंड ऑल। मैंने भी डायरी उठाई, डांट बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। और मैंने वो डायरी अपनी, हमारा घर था और ऐसे नदी थी साइड में, आई एम फ्रॉम हिमाचल इफ एनीबडी डज नो दैट, तो पहाड़ों से हूँ मैं, तो नदी थी। मैंने डायरी उठाई और फेंक दी। आई डू नॉट नो उसमें क्या था क्या नहीं था, बस एक जो पोइम थी जो मुझे आज भी याद है वो उसमें थी। वो क्लास 8 पे मैंने लिखी थी, दैट वाज माय फर्स्ट और सेकंड पोइम, और ये वही पोइम है आज। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट सेल्फ ऑफ माइंड व्हिच आई वाज इन क्लास 8। मैं अभी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, उस वक्त मैं काफ़ी अच्छी थी। एज मीनू सेड कि जब हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारा जो इनर चाइल्ड होता है वो मरता जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में आती जाती हैं, एंड आई कैन रिलेट इट टू आर लाइव्स मोर नाउ, बिकॉज आई हैव गॉट रियाना माई डॉटर एंड माई सन रिदान। जब रियाना बहुत छोटी थी तो उसको कुछ पता नहीं था कि रैम्प वॉक क्या होता है, बट उसको आप स्टेज पे खड़ा कर दो, शी विल वॉक लाइक अ शो स्टॉपर विद फुल कॉन्फिडेंस। वो बड़ी होती गई होती गई, नाउ शी इज़ लाइक 6 1/2। टुडे इफ आई आस्क हर कि रियाना वॉक करो रैम्प पे, शी विल बी लाइक लोग क्या कहेंगे। एंड आई एम शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट गुड। एंड देन आई फील लाइक या दिस इज वॉट वी ऑल्सो गो थ्रू एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि टाइम के साथ आई डोंट नॉट नो कि क्या होता है, बट कुछ तो होता है जो सही नहीं होता है। एंड हमें अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अच्छा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने उस वक्त कुछ लिखा था, दैट रिमाइंड्स मी कि ठीक है कुछ तो अच्छा सोच लेते थे, बाकी जो भी होगा। आई एम नॉट हेयर कि मुझे अप्लॉड चाहिए, बट आई थिंक वॉट माई थिंकिंग वॉज दैट टाइम, इट स्टिल इज, वी कैन जस्ट शेयर कि हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि ये अच्छा है। एक बच्चा कितना प्योर होता है, वो बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए हर इंसान में। एंड दैट टाइम जो उस वक्त प्यार होता है, उस वक्त मोहब्बत होती है, वो डेफिनेशन बहुत अलग होती है। और वो फिर दोबारा तब आती है जब आपके पास खुद बच्चे आते हैं। सो आई कैन इवन कनेक्ट इट मोर कि अब वो मोहब्बत और ये मोहब्बत अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, एंड इट्स प्योर, इट्स
इट्स डेफिनेटली वेरी गुड. ओके सो आई विल स्टार्ट. ओके तो आप लोग ये सोच लेना कि मैं आई एम 34. इट्स नॉट मी हु इज सेइंग दीज लाइंस. इट्स अ क्लास 8 स्टूडेंट. ओके सो इट्स लाइक इट गोज लाइक दिस. यूं ही ख्यालों की दुनिया में खोए थे हम कि जहन में एक सवाल आया कि सच्ची मोहब्बत क्या है. सच्ची भी लिखा हुआ है. दिल और दिमाग की जंग में बहुत सवाल और जवाब हुए. शायद दोस्त की दोस्ती ही सबसे खूबसूरत है. फिर दिल ने कहा नहीं, दोस्ती तो एक ज़रूरत है. शायद बहन और भाई का रिश्ता सबसे प्यारा है. फिर दिल ने कहा नहीं, वो तो एक दूसरे का सहारा है. शायद एक प्रेमी और प्रेमिका का साथ ही प्यार है. फिर दिल ने कहा नहीं, वो तो साथ होने का एक एहसास है. साथ होने की एक आस है. ओके शायद पति और पत्नी में ही प्यार का वो साज है. फिर दिल ने कहा नहीं, वो तो एक दूसरे के हमराज है. शायद पिता का साया ही सबसे प्यारा होता है, प्यारा नाता है. फिर दिल ने कहा नहीं, वो तो महफूज होने का वादा है. शायद माँ की ममता ही मोहब्बत है. फिर दिल ने कहा नहीं, ये वो रिश्ता है जो सबसे खूबसूरत है. ओके फिर दिल ने आखिर में दिल को बताया, जहाँ ना कुछ पाने की तमन्ना हो और जहाँ ना कुछ खोने का खौफ हो, जहाँ जो भी हो निस्वार्थ हो, वहीं सच्ची मोहब्बत है. That's it. I mean, मुझे नहीं पता उस वक्त इन शब्दों का मीनिंग क्या होता था. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. क्या लिखा है? बहुत बढ़िया. और ये मेरे दिमाग में थी. I could never forget this. और ये मैंने लास्ट ईयर ही दोबारा से लिखी थी, कंप्यूटर पे लिखी थी, मतलब अपने वर्ड फाइल में. तो मुझे था कि चलो बैकअप है मेरे पास. Yeah, it's like two sides of your mind, right? One is saying ki okay, ye sacha hai, and then the other side of it saying ki no, ye to ye hai, you know. So it's like a question and an answer in your head, and then in a child that you said you wrote this in when you were in eighth grade, right? So yes. from an eighth grader's perspective, it is like. I don't know. It's beautiful, like you know, ki question karna. कि क्या ये सच्ची मोहब्बत है. बट देन एट द एंड आई थिंक फाइनली द आंसर इज कि व्हाटएवर इज डन सेल्फलेस, व्हाटएवर इज सेल्फलेस लव इज व्हाट इज एक्चुअल लव. आई स्टिल फॉलो दिस. या या आई बिलीव इन दैट. व्हाटएवर इज लाइक व्हिच इज व्हिच व्हेन यू डू नॉट थिंक कि ये करूं या ना करूं, व्हेन यू जस्ट हैप्पी डूइंग. चाहे वो किसी को एक ब्रेड ही शेयर करना क्यों नहीं है. आई मीन आप रोड पे जाते हो, आप बस आपका कुछ भी एक्शन, दैट कुड बी लाइक यू नो डूइंग लाइक दिस ऑन योर बेबी हेड, इट्स लव. It's love. Yeah, yeah. Because love these days, especially in these times, in this, in the coming generations and all, and not even the coming generations, even our generations and all, it's used very loosely. Like, you know, ye emojis ke world mein all that, the loves and the flying kisses and all, it's used very loosely, very loosely. बहुत इजीली इसको कर देते हैं, बट एक्चुअली इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. और ऐसे कह देते हैं कि यू नो आई लव यू सो मच, और बहुत कैजुअली कह देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है. सेल्फलेस लव करने वाले बहुत कम लोग होते हैं. आप एक्चुअली उनको अपनी उंगली पे गिनती कर सकते हैं, इतने कम होते हैं. इट इज दैट इनर सर्कल ऑफ योर लाइफ दैट इज जस्ट यू कैन काउंट देम इन नंबर्स. इट्स नॉट दैट बिगर सर्कल, इट्स दैट वेरी स्मॉल इनर सर्कल ऑफ योर लाइफ. तो वो बहुत ही कम लोग होते हैं. And I think thank God we had time that day. That time we did not have mobiles and all. So हमारे पास time होता था लिखने का. We used to write a lot, अपनी diary बनाना, फिर share करना, फिर बैठे रहना और कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहो. And you're just enjoying, you're living in the moment. That the credit goes to that time. Yeah, beautiful, very simple and innocent poem. Very beautiful. You know when Jyoti was narrating that incident na. मुझे मेरे को आपका जो फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट अस यू टोल्ड अस अबाउट योरसेल्फ कि यू आर आल्सो वेरी प्राइवेट अबाउट योर पोएट्री. यू आल्सो स्टार्टेड राइटिंग, यू आल्सो स्टार्टेड राइटिंग व्हेन यू वर इन स्कूल. और जो इसने नरेट किया ना ज्योति ने, मतलब आई कुड रिलेट इट टू मीनू. एग्जैक्टली द सेम थिंग मेरे दिमाग में आ रहा था कि मीनू और इसमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं. अच्छा वो क्या होता है ना कि लाइक यू नो मैं लिखती थी, बट हमेशा से लिखती थी, बट लाइक यू नो आई वुड इवन राइट लाइक टू लाइनर्स, फोर लाइनर्स आल्सो. But the thing about writing is that when you're that young,
एंड फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव वो लोग भी अपनी जगह सही होते हैं. पेरेंट्स विल बी थिंकिंग क्या लिखने में लगे हुए अपने डायरी में गोते हुए करके पढ़ाई करो एग्जाम एंड ऑल दैट व्हिच इज फाइन. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट द करियर और एनीथिंग लाइक दैट और हु आई एम बाय प्रोफेशन. बट द थिंग इज दैट इट्स समथिंग दैट नॉट एवरीबडी वेरी कंफर्टेबली वॉन्ट्स टू कम आउट विद इट. Like, you know, there'd be writing, but not everybody will comfortably come out ki, you know, hum likhte hain ya publicly disclose it. So. I never did that. Yeah. Aur mujhe yehi tha ki ye log padh lenge. It's such a fink do, ki likhti kya hai. Yeah. I could never share. Yeah, it's good. Theek hai. Par wahi hai, jo aap bachpan se karna chahte ho, aapke saath rehta hi rehta. Because that is your passion. Toh chahe, maybe it relaxes me. It tells me who am I actually. So right. That's why I'm here also. I think yeah. बहुत लोगों के साथ आपका connection है, लेकिन जो यहाँ पे है वो इसलिए यहाँ पे है because they want to be here. That's what they like doing. Right. Yeah. I can totally relate with that. Even if someday you know life comes to a point where I will not be able to publish the poems or something, but my writing will continue because that's yes. my outlet. Whether somebody reads it or not, it's like you know your passion, your outlet. बिमल जी ज्योति सॉरी हाँ बिमल बोलिए बोलिए बिमल ज्योति मैडम आप जब अपनी कविता सुना रही थी मैं सोच रहा था कि 8th क्लास के बच्चे ने ये लिखी है. आई वाज आल्सो थिंकिंग मैं जब कविता के बारे में पोएट्री के बारे में पढ़ रहा था तो कहीं ऐसा लिखा हुआ था poetry is a spontaneous flow of emotions in beautiful words in rhythm or without rhythm. So जब मैंने आपकी poetry सुनी तो मैं सोच रहा था कि 8th class का बच्चा इतनी खूबसूरत बातें इतने खूबसूरत शब्दों में लिख रहा है अगर वो उसी पे ही डिवोट करता सब कुछ तो आज वो कहाँ होता और वो कहाँ मतलब कमाल आपने 8th क्लास स्टैंडर्ड में इतनी अच्छी बढ़िया लिखा. इट वाज रियली सो ब्यूटीफुल सो नाइस. थैंक यू सर. मैंने आपको भी नहीं मिली हूं मैं पहले आपको भी. अरे हाँ लास्ट टाइम सर नहीं थे मेरे ख्याल से गजल वाला इवेंट के अंदर बिमल जी नहीं थे. यस आई रिमेम्बर बिमल जी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बिमल जी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. ओके ओके बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you so much. मैं ज्योति कुछ बोलना चाहता हूँ आपकी कविता के बारे में कि आज हम जो कुछ भी हैं उसको यदि हम ट्रेस बैक करें अपने लाइफ के ट्री में तो कहीं ना कहीं हमें डीएनए में वो चीजें मिल जाएंगी जो आज हम हैं जैसा हम सोचते हैं जैसा हम बिहेव करते हैं. और ये बात मुझे कंफर्म हो गई आपकी पोएट्री से कि जो कोर्स आज आप कर रही हैं साइकोलॉजी का उसका बैकग्राउंड 8th क्लास में ही इस पोएम में बन गया था नहीं तो आप साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं होता. ये कविता आपकी 8th स्टैंडर्ड में जो आपने लिखी है ये कनेक्ट करती है आपके इंटरेस्ट को आपकी थिंकिंग को जो साइकोलॉजी में आप माइंड बिहेवियर की डेप्थ में जाते हैं वही चीजें 8th स्टैंडर्ड में आपने इस कविता में लिखी है और बहुत ही शानदार कविता है. बहुत अच्छा लगा बहुत. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. एंड वाओ आपने कितने अच्छे से कनेक्ट कर दिया. दैट्स थर्ड पर्सपेक्टिव. गुड वेरी गुड. आई मीन वी एक्सप्लोर आवरसेल्फ मोर थ्रू अदर्स. यस